अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आपने कहा था कि आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, तो मैंने ये वीडियो बना ली है और पहले खुद प्रूफ की है और 100% रियल वेबसाइट है। एक एक रुपया आपको इसमें मिलेगा, डॉलर्स के हिसाब से आप मंथली 5 से 6 हज़ार रुपये कमा सकते हैं अपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी या किसी भी कोई भी स्टूडेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज पॉकेट मनी अपनी इस वेबसाइट से इजीली निकाल लेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप क्लिक करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं इस वेबसाइट से। उस लिंक को क्लिक करके आप ऐड हो जाना। अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए हुई तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दे दूँगा, उसको ज्वाइन करके आप मेरे मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ग्रुप में मैसेज नहीं करना क्योंकि बाकी सारे लोग तंग होंगे, मुझे पर्सनल में मैसेज करके पूछ लेना है। चलें बगैर टाइम जाए कि वीडियो की तरफ जाने पड़ते हैं। अब ये पीको वर्कर्स की वेबसाइट है, आपने यहाँ पे जस्ट वो ब्राउज़र पे आकर लिखना है पीको वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पीको वर्कर्स लिखेंगे, इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ओके, यहाँ पे आपने सबसे पहले साइन अप करना है इसको। ठीक है, क्योंकि लॉगिन वो करेगा जिसकी आईडी होगी, इस वजह से आपने साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे अपने रियल नेम आपने लिखना है, जो आपका नाम है, जो CNSE में नाम है। ठीक है, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल मकसूद, तो फिर मोहम्मद बिलाल मकसूद यहाँ पर लिखूँगा। ई मेल एड्रेस आपने वो लिखना है जो आपका एक्टिव है, उसमें आपका 4 डिजिट्स का कोड आएगा जिसमें, या एक लिंक आएगा जिसको जो आप क्लिक करेंगे फिर आपकी ये पीको वर्कर्स की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, ईमेल आपने एक्टिव वाला लिखना है लाजमी। पासवर्ड आपने लिखना है पासवर्ड, और फिर कंफर्म पासवर्ड लिखना है, मतलब सेम पासवर्ड, इधर भी सेम पासवर्ड होना चाहिए और कंफर्म पासवर्ड भी सेम पासवर्ड, दोनों जगह पासवर्ड रखेंगे। क्रिएट पासवर्ड करेंगे, कंफर्म पासवर्ड और ये पासवर्ड लिखेंगे दोनों सेम। इसके बाद निक नेम में आपने, जैसे मेरा नाम मोहम्मद बिलाल मसूद है, मैंने निक नेम में बिलाल रख दिया था, तो फिर आपने अपना देख लेना कि आपका निक नेम क्या है, कोई भी रख सकते हैं, कोई इशू इसका नहीं है। कंट्री आपने देखनी है, कंट्री मेरी पाकिस्तान है तो आप भी पाकिस्तान करेंगे, अगर आप अफगानिस्तान इंडिया आईलैंड कहीं और से हैं तो वो कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आई एम ए वर्कर, आई एम एन एम्प्लॉयर, प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है तो आपने आई एम ए वर्कर करना है क्योंकि आप वर्कर हैं। अगर आप एम्प्लॉयर हैं, जैसे अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करवाना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल को रैंक करवाना चाहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के कोई भी चीज़ करवाना चाहते हैं किसी भी वेबसाइट की, तो फिर मैंने एम्प्लॉयर पर करेंगे। फिर ये आप लोगों से सर्विस लेके सर्विसेज लेकर उनके लोग आपके टास्क करेंगे, आप उनको पैसे देंगे, तो फिर आप एज एन एम्प्लॉयर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपने आई एम ए वर्कर करना क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं। फिर इसके बाद ये करने के बाद आई एग्री टू पिको वर्कर्स करना है, सेंड मी न्यूज़, यहाँ टिक टिक दोनों को टिक टिक करके फिर साइन अप करेंगे। आपकी आईडी क्रे आगे आपको आएगा एक ऑप्शन के आपको लिंक भेज दिया गया आपके ईमेल पे, जो आपने यहाँ पे ईमेल भेजा है। ठीक है, आप फिर आप जीमेल पे जाएंगे, जीमेल पे जाके उस लिंक को ओपन करेंगे, आपको ईमेल आई होगी पीको वर्कर्स की तरफ से, उस पर क्लिक करेंगे, आपकी आईडी लॉगिन हो जाएगी। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से क्योंकि मेरा पैसे ये है। ठीक है, ये मेरा पासवर्ड और ये ईमेल आईडी है जो पहले की लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने पासवर्ड डाला और ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, पूरा काम करने का तरीका बताऊंगा कि आप कैसे काम कर सकते हैं, वीडियो को शॉर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, प्रूफ मैं आपको देता हूँ। प्रूफ ये है कि ये देखिए मैंने अर्न किया है ये $5 जो है, मेरे दोस्त जो दो हैं वो अर्न अपना करवा भी चुके हैं, लाइव विड्रॉ उन्होंने मेरे सामने करवाया, फिर मैंने खुद से अप्रूव किया। ठीक है, उसके करने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ में आ रहा हूँ, तब देर लगी है थोड़ी सी। ठीक है, ये मैंने डॉलर अर्न किया 0.1212000। आप ये कह रहे होंगे ये तो 10 रुपये भी नहीं है, 20 रुपये भी नहीं है, हमें बेवकूफ़ बना रहा है। देखिए पेंडिंग में भी 0.07 पड़े, ये टोटल $0.200 हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने टोटली 2 मिनट लगाए हैं और इतने पैसे हो गए हैं। ठीक है, और इसमें मिनिमम भी अगर आप इसमें आधा घंटा देना तो रोज़ का $1 आप इजीली कमा सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 1.5-2 घंटे भी दें तो आप $2 से $3 इजीली कमा सकते हैं। ठीक है, अगर $1 भी कमाएं तो मंथली ये $30 बनते हैं, $30 जो आपका 5,500 रुपया बनता है। ठीक है, जिसमें से अगर $30 कमाएं, $30 में से $3 या $4, $5 आप पीको वर्कर्स वेबसाइट डिडक्ट करेगी, बाकी आपकी जैस कैश में पैसे आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ठीक है मैं आपको बताता हूँ इससे आसान टास्क जो होते हैं वो मैं बताता हूँ। इसमें और भी बहुत सारे टास्क होते हैं, ये देखिए ऐड एक्सटेंशन, आप इसको क्लिक करेंगे, एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे और फिर क्रोम पे उसको ऐड करेंगे, फिर आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, और इस तरह ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या, प्रमोट कंटेंट एंगेज क्या, ये आप जो जो इस पर क्लिक करेंगे ना, ये न्यू ऑफर्स हैं, बहुत आसान है, इसमें आप इजीली कर सकते हैं। ये एक आया हुआ टास्क जैसे साइन अप प्लस एक्सटेंशन, एक वेबसाइट होगी इनकी, उसको साइन अप करना पड़ेगा आपको और फिर एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसका आपको $0.100 मिलेगा। मैं आपको आसान टास्क बताता हूँ जो आप इजीली जिससे $30 इजीली कमा सकते हैं, जिस पर मैं भी काम करता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ कैटेगरी में आना है, कैटेगरी पे आने के बाद SEO प्रमोट कंटेंट सर्च इंजन है, इस पर आना है। ये टास्क असल में वो होते हैं जो डेली बेसिस पे आपको मिल जाते हैं और आप इजीली एक दिन में आधे घंटे से घंटे में एक
डॉलर या $2 $3 कमा सकते हैं। ठीक है, देखें अगर आपने पैसे कमाने हैं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप कहेंगे ये कि ये टके टके काम है, 30-30 पैसा हम कमाए, 30-30 पैसा नहीं, इजी पर 0.03 डॉलर जो है ना, ये आपका 20-25 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 185 रुपये का डॉलर है, तो आप इसको पैसा पैसा ना समझिए, डॉलर्स में आपको काम नज़र आ रहा है। आप टोटली ये मेरे ख्याल में 20 टास्क परफॉर्म करेंगे, 20 टास्क परफॉर्म करने के बाद आपको $1 मिल जाएगा, 20 से 25 टास्क परफॉर्म करने के बाद। और 20 से 25 टास्क अभी मैं आपके सामने एक टास्क परफॉर्म करूँगा, हार्डली 1 से 1.5 मिनट लगेगा। ठीक है, आप इजीली कमा सकते हैं पैसे। अगर पैसे कमाना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, आप ये नहीं सोचना कि ये 2 टके का काम है, ये 2 टके का ही काम है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप चूँकि अभी जॉब नहीं कर रहे, जॉब तो आपने फ़ीस भी निकालनी है पढ़ाई के साथ साथ, तो इस वजह से ये आप ये काम आप ही के लिए है, जिसे 1.5 घंटे तो आप निकाल ही लेंगे। रात को आप सोते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, उस टाइम भी आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें उठा लेता हूँ जी, ये वाला टास्क उठा लेता हूँ, कोई भी टास्क आप उठा लें। मैंने ये टास्क उठाया, ये टास्क उठाने के बाद देखें यहाँ पर इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं, 942 ये मतलब 3800 टास्क हैं, जिसमें से 942 लोगों ने इसको डन कर लिया। एक दिन का टाइम है इसका, अभी देखना एक दिन में ये सारे 3800 के 3800 लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। जो नहीं कर पाएंगे, ये टास्क अगले दिन ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह दूसरे टास्क आ जाएंगे। डेली बेसिस पे टास्क अपडेट होते रहते हैं, वो टेंशन नहीं लेनी, जॉब आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे रोज़ का $2 $1 $2 आप इजीली कमा सकते हैं। अगर $2 रोज़ से कमाएँ तो ये 10,000 11,000 रुपया बनता है, तो उसको आपने लाइट नहीं लेना। अब तरीका बताता हूँ ये टास्क आपने कैसे परफॉर्म करना है। ये टास्क अगर आपने सीख लिया, आप बाकी सारे टास्क इजीली हल कर सकते हैं इस कैटेगरी के, SEO प्लस प्रोमोट कंटेंट के। ठीक है, क्लियर ब्राउजर एंड कीकीज ऑफ फर्स्ट ऑन योर लैप PC लैपटॉप एंड देन ओपन अ ब्राउजर विंडो। ये देखें, ये जो टास्क है ना, ये आपके मोबाइल पे करने वाला नहीं है, लैपटॉप या PC में आप कर सकते हैं इसको। क्योंकि मेरे पास अभी मोबाइल है, मैं मोबाइल पे आपको इसको रन करके बताता हूँ। मोबाइल भी कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन PC उस लैपटॉप पे भी करें, लैपटॉप पर करें तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये इनको पता नहीं चलेगा वेबसाइट वाले को, क्या मोबाइल से रहना है या उधर से है, हो सकता है पता भी चल जाता हो, क्योंकि मैंने अभी टास्क किए हैं मोबाइल से किए हैं और वो एक्सेप्ट हो गए हैं, ये भी देखना आपके सामने एक्सेप्ट होगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे, लैपटॉप यूज़ करेंगे, उससे जल्दी ये परफॉर्म हो जाएगा टास्क। ठीक है, ये पहली उन्होंने ये एक मैंडेटरी फील्ड लगाई हुई है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट देखें, ये उन्होंने लिंक दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप कॉपी करें। इसमें लिखा हुआ है गो टू दिस लिंक, क्लिक ऑन यू वांट टू विजिट द पोस्ट। ठीक है, जी कह रहे हैं इस वेबसाइट को विज़िट करो एक, ठीक है, प्राइवेट ब्राउज़र ओपन, अब क्लिक ब्राउज़र कुकीज़। ठीक है, और इसको प्राइवेट ब्राउज़र पे आपने ओपन करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएँ, न्यू इकोगनाइट टैब में आएँ, यहाँ पे आएँ, यहाँ लिंक कॉपी करें, जो मैंने लिंक कॉपी किया था उसको ओपन किया। ठीक है, अभी ये दी पेज यू आर इज़ ट्राइंग टू सेंड यू सेफ फ्रॉम कैन स्कैनर विदाउट ट्रीटमेंट, यू डू नॉट वांट टू विजिट द पेज। अभी ये मैंने लिंक ओपन किया तो आगे से ही आया ना, तो इन्होंने क्या कहा था, क्लिक ऑन यू वांट टू विजिट द पोस्ट, तो मैं हमने पोस्ट विजिट करनी है, दी पेज यू आर ट्राइंग सेंड टू यू, तो इस वजह से हम इस पर क्लिक करेंगे। इस लिंक पर क्लिक किया तो ये पोस्ट आ गई सारी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा इसमें आपने नेक्स्ट स्टेप है इसका, बहुत आसान टास्क है ये। नेक्स्ट स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट ऑन द विजिट नेक्स्ट पोस्ट, आफ्टर विच यू विल हैव टू स्क्रॉल डाउन टू बॉटम ऑफ दैट ऑफ द पोस्ट एंड यू विल गेट अ कूपन कोड आफ्टर 1 मिनट। वो ये कह रहे हैं कि आपने जब ये लिंक पे क्लिक करेंगे, फिर आपने उस वो जो पेज ओपन होगा उसको स्क्रॉल डाउन करना है, और आखिर में जाके विजिट नेक्स्ट पोस्ट में करने के बाद आपने फिर बॉटम में जाना है, और आपको 1 मिनट के बाद एक कूपन रिसीव होगा जो आपने यहाँ पर एंटर करना है, मतलब प्रूफ के तौर पर URL फ्राम स्टेप 4। ठीक है, तो अब मैं वापस जाता हूँ उस वेबसाइट में, ये यहाँ पर आया। ठीक है, अब उसने क्या था कि बॉटम में जाना है, बॉटम में जाने के बाद उसने क्या था, विजिट नेक्स्ट पोस्ट, विजिट नेक्स्ट नेक्स्ट पोस्ट विल बी रीडायरेक्टेड। अच्छा, ये रीडायरेक्टेड हो गए, अल्टरनेटिव फॉर यंग, अच्छा यहाँ पे आपको विजिट नेक्स्ट पोस्ट का ऑप्शन नज़र आएगा, यू विल नीड टू विजिट दिस मिनिमम इतने सेकंड आपने इसको विजिट करने हैं, और लंग कैंसर थेरेपी। अच्छा जी, ये आपने विजिट किया, अब वो आई थिंक जहाँ पे ये आ रहा है ना, यू हैव टू विजिट दिस, यू नीड टू विजिट दिस, इतने सेकंड आपने विजिट करना है।
यहाँ पे आई थिंक ओपन आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। टेन इलेवन टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन। अच्छा यहाँ पे आप कुछ ना कुछ तो आया होगा ना। अच्छा जी कुछ भी नहीं आया। अच्छा यहाँ पे अभी नंबर चल रहे थे, यूँ ओपन आया स्टेज फोर लंग कैंसर बूट थेरेपी रजिस्टर थेरेपी। अच्छा ऐड तो क्लोज हो, विजिट स्टेप। अच्छा हम दोबारा चेक करते हैं उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने क्या बोला था, स्क्रॉल डाउन एंड सेलेक्ट ऑन दी विजिट नेक्स्ट पोस्ट एंड सेलेक्ट ऑन दी विजिट नेक्स्ट पोस्ट आफ्टर विच यू विल हैव टू स्क्रॉल डाउन आफ्टर विच यू विल। अच्छा फॉलो दी स्टेप्स। अच्छा फॉलो दी स्टेप, स्टेप फोर यहाँ पे आते हैं। अच्छा जो यू आर रहेगा ना स्टेप फोर का वो यहाँ पे लिखना है, स्टेप फोर ये है फॉलो दी स्टेप्स यहाँ पे आना। अच्छा एक ऑग्नोटिक टाइप में आए यहाँ पे, फिर आपने ये ओपन करना है लिंक यू कॉपी, ये ओपन हुआ। देन क्लिक ऑन दी बैनर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्राउज दी एड सेट फॉर वन मिनट एंड गिव मी एडवर्टाइजमेंट अबाउट दिस यू आर एल। देन क्लिक ऑन बैनर एडवर्टाइजमेंट एंड ब्राउज एड साइट फॉर वन मिनट एंड विजिट इन साइड एड पेज गिव मी एडवर्टाइजमेंट अबाउट अस यू आर एल। अबाउट अस का यू आर एल आपने यहाँ पे देना है एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। जो यहाँ पे आना है, अच्छा यहाँ पे शायद मैंने नहीं ओपन की, फिर यहाँ पे दोबारा आपने आना है इसको क्लिक करना है ये लिंक को, ये कॉपी किया यहाँ वापस आए यहाँ पे आना है। आसान काम है बहुत, ठीक है। ये मोबाइल में करूँ तब थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है इसका। और कह रहा है विजिट करनी है तो हमने विजिट करनी है, रिटर्न टू प्रीवियस पेज में ऐसा ये है, ठीक है। हमने करनी है विजिट, हम दोबारा इधर गए यहाँ पे रीडायरेक्टिंग में गए, ठीक है। कैंसर बेड ट्रीटमेंट सेलेक्ट लंग कैंसर ऐसा उसने कहा था, इसको नीचे तक जाना है, नीचे तक गए गए गए, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करते रहना, लंग कैंसर सेलेक्ट कंक्लूजन यू विल बी रीडायरेक्टेड लीव अ कमेंट पोस्ट। अच्छा उन्हें कहा था कि ऐड बैनर पे क्लिक करना, ऐड बैनर ये ऐड है इसके किसी भी ऐड पे क्लिक करना है, मैंने इसे ऐड पे क्लिक कर दिया, ठीक है। इसको एक मिनट तक आपने देखना, एक मिनट नहीं देखें बस ओपन करके साथ ही यूआरएल कॉपी करके तो परे करें इसको, ठीक है ना। अच्छा ये ओपन नहीं हो रहा ऐड, ये फारिग ऐड है, ये एक ऐड आया है, इसको ओपन कर लें आप पावर बैक कॉम्पैक्टिंग पे, ठीक है। ये आई थिंक हाँ ये ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा इसके अबाउट अस पे जाके ना इसका यूआरएल देना है आपने, अबाउट अस ये है, इस अबाउट अस पे क्लिक करें, ये यूआरएल है इसका, ये यूआरएल होता है। इसको यहाँ से ये कंट्रोल सेलेक्ट ऑल करें, फिर इसको यहाँ से पूरे यूआरएल को कॉपी करें, फिर बैक आएँ यहाँ पे आएँ यहाँ पे आएँ, देखें अब यहाँ पे ये यू आर एल कॉपी पेस्ट कर दें। और यहाँ पे तो कोड लिखना था, ये आपने गलत लिख दिया, ये यू आर एल फ्रॉम स्टेप फोर, स्टेप फोर से ये यू आर एल है जिसने बताया था कि स्टेप फोर में एक ऐड होगा उसको ओपन करो, उसको ओपन करने के बाद अबाउट अस में जाओ, अबाउट अस में जाने के बाद यू आर एल पेस्ट करो, ये यू आर एल आ गया। अब वो कह रहा है कि कोड होगा, कोड भी उसी वेबसाइट से आएगा, लेकिन वो कोड आ नहीं रहा उसका, क्या इशू है पता नहीं। फिर दोबारा एक ट्राई और कर दें, इस पोस्ट से वो कोड आएगा, हम कॉपी किया, ठीक है। हम अगेन यहाँ पे आ जाते हैं, कहीं यहाँ पे तो नहीं आएगा कोड, अच्छा नहीं इधर नहीं आएगा, ये अबाउट है इसका एडवर्टाइजमेंट का, इसको हम क्लोज कर देते हैं, क्लोज यहाँ पे आते हैं। अच्छा यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे कोड आएगा, मैं भी आपको चेक कराता हूँ।
लाइन में छोटा सा लिखा हुआ था, सेव कमेंट पोस्ट कमेंट सेव माय नेम रिपोर्ट दिस सर्च जनरेट जनरेट प्रेस रिपोर्ट दिस वेबसाइट सेव एंड कोड। यहाँ पे आपको कोड नज़र आएगा, सिक्स रीजन वाई पेशेंट अनऑथराइज लास्ट सिक्स रीजन हाइड्रोलिक प्रेस लास्ट एज कैंसर। अच्छा यहाँ पे किंग कोड होना चाहिए, बॉटम में उसने कहा था कोड होगा। विजिट नेक्स्ट पोस्ट भी उसने कहा था होगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई आ नहीं रहा। अच्छा हम ट्राई करते हैं एक और दफ़ा, स्टेप फोर यहाँ पे आते हैं, सैंपल पेज में चले जाते हैं। 2000 पीपल 1971 हैव फन। कोड ढूंढना पड़ेगा आपको यहाँ पे। न्यू वर्डप्रेस असल में मोबाइल पे यूज़ कर रहा हूँ ना, यहाँ पे सही है, वो आ नहीं रहा। सैंपल पेज से हम वापस पीछे चले जाते हैं। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है फिर कैंसर ट्रीटमेंट, स्टेप फोर लंग फोर यहाँ पे आते हैं, स्टेप फोर साइज ए फोर स्टेस फोर फोर लंग कैंसर लंग कैंसर। फिर आप सर्जरी में आए, यहाँ पर आए, सेल पार्ट्स प्रोसीजर क्लियोमेथरी थेरेपी, ये सब में सारी चीज़ें ऑप्टिमाइजेशन होती है। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं ना, वो अपनी वेबसाइट को रैंकिंग करने के लिए तो ये प्रोपेगेंडे यूज़ करते हैं। अनकैटेगराइज्ड ये एक नंबर चल रहा है, यू विल नीड टू विजिट दिस, मेरे ख्याल में इसके बाद कोड आएगा। हम दोबारा पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ था। नेक्स्ट विजिट द पोस्ट क्लिक यू वांट टू विजिट द पोस्ट क्लिक ऑन यू वांट टू विजिट द पोस्ट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। लास्ट पोस्ट सिक्स रीजन वाई पेशेंट गेट है अन अदरवाइज सिक्स रीजन। अच्छा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया। फिर नेक्स्ट कॉल डाउन सेलेक्ट ऑन द विजिट नेक्स्ट पोस्ट आफ्टर यू विच विल हैव टू स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम ऑफ द पोस्ट यू विल गेट अ कोपन। अच्छा हम लेट लास्ट पोस्ट में करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है अब देखते हैं शायद यहाँ पर कोई कोड आए। कोड आएगा असल में, यहाँ पे लिखा हुआ पोस्ट कोड विल बी शोन हेयर। ठीक है अब यहाँ पे कोड आएगा, पोस्ट कोड विल बी शोन हेयर। यहाँ पे कोड शो हो जाएगा, आपने यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करना है, साथ ही आपको पैसे आ जाएंगे। ठीक है तो ये बहुत इजी है, फाइंड करना बहुत इजी है, बस आपने उस पर पे अटेंशन टू डिटेल देनी है। ये हार्डली भी आप एक मिनट से डेढ़ मिनट में आप ये इजीली हल कर लेंगे, और रोज़ के $30 आप कमा सकते हैं, रोज़ का $1 कमा सकते हैं, मंथली $30 इजीली कमा सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा मेहनत करें तो $60-$200 भी कमा सकते हैं, मेरे दोस्त कमा रहे हैं। और ये मैं 100% वेबसाइट बता रहा हूँ, लाइव मैंने आपको प्रूफ दिखाया है, सारा डॉलर्स अन हुए बताए हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको लाइव विड्रॉल भी बताऊंगा। ठीक है तो ये बिल्कुल जैस कैश में इसके आपके पैसे आते हैं, आपकी टेंशन नहीं लेनी, बहुत आसान विड्रॉल है इसका। विड्रॉल का तरीका मैं आपको बता देता हूँ अभी। ठीक है ये कोड आ गया, 7 अल्फ़ा कोड है इसका, कोपन कोड ही आ गया। यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप दोबारा इधर आए, इधर आने के बाद आपने कोड लिखा यहाँ पे, ये मैंने पेश कर दिया, ये पढ़ लेना है, एंटर द कोड ये आ गया, सबमिट प्रूफ में करना है। ये देखें टास्क सबमिटेड, बैक टू वर्कर पेज में गया, टास्क सबमिटेड हो गया था। अब देखें एक 0.1200 ये अर्न हो गया मेरे, और 1000 ये हो गया। ठीक है एक और एक 0.200 मतलब कि अभी कितना, एक दो मिनट भी नहीं लगे। ठीक है तो इजीली आप $1-2 दिन का आराम से कमा सकते हैं। इधर अभी और भी बहुत सारे टास्क आए हैं, ये सारे टास्क करके आप ये सारे टास्क भी करें, $5-6 के ये टास्क हैं एक दिन में, आप अगर कर लें तो $5 एक दिन में कमा सकते हैं आप। ठीक है तो आपने लाइट नहीं लेना। विड्रॉ आप कैसे करवा सकते हैं, विड्रॉ आपने वैलेट में आना है। ठीक है वैलेट में आने के बाद विड्रॉल ऑफ प्रोसेस विद इन 10 business days ऑफ प्लेसिंग रिक्वेस्ट, जब आप रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे ना विड्रॉल की, $5 अगर आपने कमाया तो $1 उसमें कंपनी का होगा। ठीक है
10 बिजनेस डेज ने ज़्यादा लिखा हुआ है, 1-2 दिन में पैसे आपके जैश कैश में आ जाते हैं। यू हैव नॉट रिक्वेस्टेड एनी पेमेंट, अभी मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया। अगर आपके पैसे $5 कंप्लीट हो गए हैं तो आप रिक्वेस्ट विड्रॉल में करेंगे। इसमें आने के बाद यहाँ पर उन्होंने लिखा है योर टास्क इंटरवल वी मस्ट ज़ीरो, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सो उन्होंने लिखा है विड्रॉ व्हेन यू हैव $5 इन योर अर्न बैलेंस, अर्न बैलेंस में $5 आ जाए तब आप विड्रॉ करा सकते हैं। विड्रॉल डेट 10 डेज में प्रोसेस होगा। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है तो बैलेंस आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। LTC इज एंटर मेंटेन प्लीज चेक अगेन लेटर। ये आप इस तरह यहाँ से इशू करवा सकते हैं पैसे। अगर आपका AirTM है, यहाँ PayPal है, ठीक है, PayPal से आप इजीली विड्रॉ करवा सकते हैं पैसे, ठीक है। और स्किल से भी आप इजीली करा सकते हैं। आप होल्ड है, AirTM है, जो आपको इसमें इजी लेके वो मेथड सेलेक्ट करें। पेपॉल की मैं आपको कहूँगा, या स्किल की ID बनाएं। ID बनाने के बाद आप इसको इजीली विड्रॉ करवाएं, ठीक है। और जैश कैश से पेपॉल को या स्किल को लिंक करें। लिंक करने के बाद वो तरीका नहीं आता तो वो भी मैं बता दूंगा आपको इंशाल्लाह जल्दी। आप पहले पैसे अर्न करें, तरीका बहुत आसान है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।